मैं पहुंच गई हूँ। कितनी देर हुई? 10 मिनट से राह देख रही हूँ। कब तक आ रहे हो? बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक ऐसा भी पहलू है जो कोई नहीं जानता, और मेरे जीते जी कोई नहीं जानेगा। मेरी मौत के बाद भी हमेशा गुप्त रहेगा, हमेशा। कभी कभी जो हम सुनते हैं वो एक राय होती है, हकीकत नहीं। कभी कभी जो हमें दिखता है वो उस राय के साय में बनी तस्वीर होती है। जरूरी नहीं कि वो सच की तस्वीर हो। साहब जी, मैं यहाँ डुमना के पास से गुजर रहा था, तब झाड़ियों में एक औरत की लाश दिखी है साहब जी। नहीं मिले जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, और आसपास कोई मोबाइल फोन भी नहीं है। दुबे, कुछ मिला क्या? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। मुश्किल से 8 घंटे हुए हैं मर्डर को, मतलब कल 26 अक्टूबर की रात को 11 से 12 के बीच में। राइट। सिमंस के सैंपल मिले? नहीं, पूरी संभावना है कि सभी रेपिस्ट ने कंडोम इस्तेमाल किए होंगे। बॉडी पर कोई ऐसा बर्थमार्क या कोई निशान जिससे विक्टिम की पहचान हो सके? नो इंस्पेक्टर, पर एक डिटेल है, विक्टिम की बॉडी में अल्कोहल लेवल्स काफी हाई पाए गए हैं। रेप के वक्त अल्कोहल शायद जबरदस्ती पिलाई गई हो? मुमकिन है। स्ट्रगल के कोई निशान? बहुत कम, शायद नशे के कारण ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाई होंगी। डॉक्टर, विक्टिम की एज क्या रही होगी? 35 से 38 के बीच। ऊंचाई 5 फीट 4 इंच, उम्र 35 से 38 के बीच, गेहूं आ रंग। लाश जबलपुर के पास दुमना में पाई गई। दुमना जबलपुर के पास एक महिला का शव बरामद हुआ है। गेहुआ रंग है, उम्र 35 से 38 के बीच, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच। इस औरत के बारे में कोई भी खबर हो तो राजगीर थाना जबलपुर को तुरंत संपर्क करें। परसों रात यानी 26 अक्टूबर को 11 और 12 के बीच कत्ल हुआ है, शायद इन दिनों में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। पिछले 2 दिनों के सारे मिसिंग कंप्लेंट्स खंगालो। मैं विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स भेज रही हूं, आधार डेटा के साथ मैच करके देखिए जरा। हमारे पास और कोई आइडेंटिफिकेशन है नहीं, और ना ही कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट है। प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ? प्रियंका ये देखो। मीनाक्षी दीदी, ये क्या हो गया मीनाक्षी दीदी के साथ? पता नहीं, अभी फॉरवर्ड आई, मुझे लिखा है डुमना के पास लाश मिली है। पर दिवाली के बाद तो सुनीता दीदी वहीं रुक गई थी ना, धानापुर में, मीनाक्षी दीदी के साथ। जरा फोन लगाओ सुनीता दीदी को। हेलो कपिल, बोलो। सुनीता दीदी, मीनाक्षी दीदी कहाँ है? मीनाक्षी दीदी तो किसी काम से बाहर गई हुई है, 26 तारीख को निकली थी। कहाँ के लिए निकली थी? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मतलब मैंने उनका फोन कई बार ट्राई किया था, लेकिन 2 दिन से उनका फोन बंद आ रहा है। मैं एक फोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, आप देखिए जरा। राजी, ये है तो मीनाक्षी दीदी? हाँ, हैं तो वही, पर ये सब कैसे हुआ और क्यों? सर, विक्टिम का नाम मीनाक्षी गुप्ता है, धानापुर की रहने वाली थी। मीनाक्षी गुप्ता की तीनों बहनें और उनके पति यहाँ आ रहे हैं। वैसे सर, मीनाक्षी गुप्ता की काफी इज्जत थी धानापुर में। जबलपुर किस काम से आई थी? सब तो यही कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। उनसे मीनाक्षी गुप्ता का मोबाइल नंबर मिला है जो स्विच ऑफ है। क्यों निकली जा रही है तेरी आशीष? इतनी घंटी क्यों बजा रहा है? गजब हो गया, मर्डर हो गया अपने मीनाक्षी जी का। क्या बकरा है बे? ये देखिए, फॉरवर्ड आया है मुझे।
दीक्षित, ये मीनाक्षी गुप्ता यहाँ पूरे धानापुर गांव में जानी पहचानी थी, सोशल वर्क भी करती थी। पर बड़ी अजीब बात है कि 26 तारीख से पूरे 3 दिन बीत गए, मीनाक्षी जी अभी तक अपने घर नहीं लौटी, और फिर भी उनके घर वालों ने यहाँ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। लक्ष्मण, हमने इस मीनाक्षी गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, तब तक तुम ये पता लगाओ कि मीनाक्षी गुप्ता धानापुर से यहाँ जबलपुर किसके साथ आई थी। जी दीदी। कैसे हुआ मैडम? किसने किया ये और क्यों? मीनाक्षी दीदी जबलपुर कैसे पहुंची? सवाल तो हमें पूछने हैं आपसे, वो भी कई सारे। मीनाक्षी गुप्ता यहाँ जबलपुर कैसे पहुंची, कहाँ पहुंचने चाहिए थी, इन सबके जवाब आप लोग देंगे। 2 दिन हो चुके हमें इसकी लाश मिले हुए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी धानापुर में इसकी मिसिंग कंप्लेन तक दर्ज नहीं की। दिवाली तक हम सब साथ ही थे वहाँ धानापुर में। 22 अक्टूबर की दोपहर को हम अपने घर के लिए निकले। और सर, हम दोनों भी 22 तारीख को वहाँ से निकले थे, बस राजीव जी और सुनीता दीदी वहाँ मीनाक्षी दीदी के साथ रह गए थे। आप सब लोग अपना परिचय देंगे? सर, मेरा नाम विकास खंडेलवाल है, मैं किशनगढ़ का हूँ, धानापुर के पास में ही मेरा रेस्टोरेंट है। मैं शालिनी का पति हूँ। मैं शालिनी, चारों बहनों में सबसे बड़ी हूँ, मीनाक्षी मेरे बाद थी। मैं सुनीता, मीनाक्षी दीदी के बाद की बहन। ये मेरे मिस्टर हैं राजीव महाजन। हम लोग भेड़ाघाट में रहते हैं सर। सर, मेरा नाम कपिल जायसवाल है, और ये मेरी बीवी प्रियंका जायसवाल, सबसे छोटी बहन। हम लोग दामों में रहते हैं। और मीनाक्षी के हस्बैंड कहाँ हैं? मीनाक्षी ने शादी नहीं की थी। अच्छा, धानापुर में कब से रह रही थी? हम लोग चारों धानापुर में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। मीनाक्षी जिस घर में रहती थी वही हमारा मायका है। और आपके माँ बाप? जी, वो बहुत पहले ही गुजर गए। मुझे और प्रियंका को मीनाक्षी दीदी ने माँ की तरह संभाला। हम सारे त्योहार वगैरह वही धानापुर में मनाते हैं। तो 26 तारीख की शाम को जब मीनाक्षी घर से बाहर निकली, तो उसने आपको कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं, उसने कुछ बताया नहीं था। बस शाम की चाय के बाद लगभग 4:30-5 बजे वो घर से निकल गई। सुनीता, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। जी दीदी। सर, मीनाक्षी दीदी का लगभग हर दिन किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना होता था। कई लोग उनसे मिलने आते, वो कई लोगों से मिलने चली जाती। पता तो चला ही होगा ना सर आपको, समाज सेविका थी मीनाक्षी दीदी। और सर, धानापुर हाईवे पर उनका एक ढाबा भी है, अच्छा चलता है। इनकी मीनाक्षी दीदी ने खुद अपने बलबूते पर ही ये सब कुछ खड़ा किया। सुनीता जी, ये बात समझ में आई कि मीनाक्षी ने आपको ये नहीं बताया कि वो किससे मिलने जा रही है, लेकिन ये तो बताया होगा कि वो कब तक लौटेगी, रात के खाने तक लौटेगी या नहीं। जी नहीं, दीदी ने कुछ नहीं बताया। पर जब 26 की रात को नहीं लौटी, 27 को नहीं लौटी, 28 को नहीं लौटी, और आज है 29, आप लोगों को फिक्र नहीं, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं? ऐसा नहीं है सर, सुनीता ने कई बार उनका फोन भी ट्राई किया था लेकिन बंद आ रहा था। और राजीव, मीनाक्षी दीदी कल रात भर घर नहीं लौटी है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे, किसी काम में बिजी हो गई होंगी, उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी शायद। सर, मैंने उनका फोन कल ट्राई किया था, मैंने उनका फोन आज सुबह भी ट्राई किया, लेकिन मीनाक्षी दीदी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 3 दिन से आपकी बहन का फोन स्विच ऑफ था, फिर भी आपको कुछ अजीब नहीं लगा? हमें तो सुनकर अजीब लग रहा। सुनीता जी, ऐसी कौन सी औरत होगी जो रात को बाहर रुकने वाली हो और अपने साथ एक ओवरनाइट बैग भी ना पैक करके ले जाए? तुम्ही ने कहा कि मीनाक्षी की लाश उन्हीं कपड़ों में मिली जिन कपड़ों में वो घर से बाहर निकली थी। मैडम, वो ऐसा है कि मीनाक्षी अपनी मर्जी की मालिक थी, धानापुर में काफी काम किया है उसने, सभी लोग धानापुर में उसे जानते हैं। जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप लोगों को तकलीफ होगी। कत्ल के पहले मीनाक्षी गुप्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कत्ल और बलात्कार के वक्त मीनाक्षी के खून में शराब की काफी ज्यादा मात्रा थी। अब यह शराब उन्होंने खुद पी या किसी ने जबरन पिलाई, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। जबरन पिलाई गई है सर, शराब तो दूर, मीनाक्षी एक सादा पान तक नहीं खाती थी।
इतनी घिनौनी और क्रूर हरकत उसके साथ किसने की सर? जितने सवाल आप लोगों के पास हमारे लिए हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल हमारे पास आप लोगों के लिए। आप लोग सही जानकारी देंगे तभी पता चल पाएगा कि किसने किसका क्या बिगाड़ा और क्यों बिगाड़ा। माधुरी, 26 अक्टूबर रात 10:30 बजे मीनाक्षी गुप्ता का फोन यहाँ जबलपुर में स्विच ऑफ हुआ। ये देखो, उसके फोन पर आखिरी कॉल शाम को 5:03 पर आया था। हेलो, ये नंबर कहाँ का है? जी, ये धानापुर पीसीओ का नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? जबलपुर पुलिस से बोल रहे हैं। जी साहब, कहिए। मेरा नाम कमल चौरसिया है, किराने की दुकान चलाता हूँ साहब। क्या तुम मीनाक्षी गुप्ता को जानते हो? थानापुर में मीनाक्षी जी को कौन नहीं जानता साहब, सबको बड़ा धक्का लगा उनके बारे में सुनकर। 26 अक्टूबर को शाम को 5:03 पर मीनाक्षी गुप्ता को एक कॉल आया था तुम्हारे पीसीओ से। किसने किया था वो कॉल? 26 अक्टूबर शाम 5:03 पर मीनाक्षी गुप्ता को आखिरी कॉल यहीं से गया था कमल चौरसिया। साहब, फोन वहां पर है, लोग आते हैं सिक्का डालकर फोन कर लेते हैं, मैं इतना ध्यान नहीं देता। अबे चौरसिया, मोबाइल फोन के जमाने में ऐसा भी नहीं है कि लोग यहां भर भर के आते होंगे पीसीओ से कॉल करने के लिए। और वैसे भी तेरा ये धानापुर गांव इतना बड़ा भी नहीं है साहब। लेकिन मीनाक्षी जी बड़ी थी हमारे लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है साहब, मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ कौन आया था फोन करने के लिए। लेकिन जो भी हो साहब, आप उसे बख्शिएगा मत। किसी को बख्शना मत। तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका और उनके हस्बैंड विकास, राजीव और कपिल, सबके फोन रिकॉर्ड खंगालो। पता करो कि 26 तारीख की रात को और उसके अगले दिन सब कहाँ थे। 26 तारीख से मीनाक्षी घर और किसी को कोई फिक्र नहीं। सब फिक्र तो थी, लेकिन पकड़े जाने की। तभी तो मीनाक्षी गुप्ता को धानापुर से दूर जबलपुर में लाकर कांड किया। और जबलपुर में मीनाक्षी शायद किसी जान पहचान वाले से मिलने आई होगी। सर, मीनाक्षी के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं सबसे बात शुरू हो गई है। साहब, 26 की शाम को 4:45 के आसपास मीनाक्षी गुप्ता धानापुर मार्केट से गुजरी थी, अकेली थी। प्रणाम। प्रणाम मीनाक्षी जी। प्रणाम। प्रणाम दिनेश जी, दिवाली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी। लेकिन किस तरफ गई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये लोकल लीडर दिनकर पटेल, इसका कोई हाथ? पॉलिटिक्स वाले तो माहिर खिलाड़ी होते हैं साहब। वैसे दिनकर पटेल के बारे में अभी फिलहाल कुछ सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 3 बंदे उसके पीछे लगाए हैं। ये मीनाक्षी गुप्ता एक सोशल वर्कर थी, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका किसी के साथ कोई पंगा ना हुआ हो। 2 पंगे तो नजर के सामने आए, एक है नकुल पाल। नकुल पाल के दाहिने हाथ में चोट लगी, उसका हाथ कट गया है। 27 की सुबह सिविल अस्पताल में उसने टाके लगवाए थे। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीनाक्षी गुप्ता का गला काटते उसका हाथ कट गया हो? पंगा किस बात को लेकर हुआ था नकुल पाल और मीनाक्षी गुप्ता के बीच? साहब, ये नकुल ना बहुत अकड़ू बंदा है, मीनाक्षी गुप्ता के पड़ोस वाले घर में रहता है। नकुल, बाइक हटाओ यहाँ से, ये रास्ता पब्लिक को आने जाने के लिए, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप भी एक बात समझ लो ना कि दानापुर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कि जब भी मन में आया किसी को भी पकड़ के लेक्चर सुना डाला। और मेरी बाइक कौन सा आपको आपके घर जाने से रोक रही है? ये तुम गलत कर रहे हो। तो गलती की सजा भुगतूंगा मैं, आप होती कौन सजा देने वाली। और मीनाक्षी जी, अपने सोशल वर्कर का रौब ना किसी और पे झाड़ना, मुझ पे नहीं। हवा निकाली, अगली बार दोनों टायर भी निकाल दूंगी और फिर तुम्हारी बाइक के एक एक पुर्जे अलग करके ना बिरजू कबाड़ी वाले को दे दूंगी मुफ्त में। और आपको लगता है मैं चूड़िया पहन के नाचूंगा? मर्दानगी अड़ियलपन दिखाने में नहीं है नकुल, अपनी गलती सुधार कर कुछ अच्छा करने में। अब मर्दानगी पे ताने? ताना नहीं दे रही हूं, नसीहत दे रही हूं। तुमसे बड़ी हूं, तुम्हें कुछ अच्छी बात सिखा रही हूं। सुन लोगे, समझ लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। नुकसान तो हो चुका है मीनाक्षी जी, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें मैं आपकी वजह से टाइम पे पहुंच नहीं पाऊंगा। पर कोई बात नहीं, इसका आपको करारा जवाब दूंगा। एक तो ये हुआ, नकुल पाल मीनाक्षी का पड़ोसी,
दूसरा पंगा? दूसरा है मोहनलाल यादव, मीनाक्षी गुप्ता का ढाबे का पुराना मैनेजर। मीनाक्षी दीदी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने बिना बिल बनाए पैसे लिए हो कस्टमर से, और 5 साल काम करने के बाद इतना भी भरोसा नहीं आपको मुझ पर। लकी से कहकर 2 दिन की रिकॉर्डिंग करवाई जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 14 टेबल के बिल तूने बिना बनाए पैसे लिए, और वो पैसे तेरी जेब में, और उसमें से 6 से 7 टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर जिनकी डिटेल्स निकाली जा सकती है। लाकर खड़ा करूं तुम्हारे सामने? वो बहन की शादी करानी है दीदी। बहन की शादी करवानी? माँ की बीमारी, बाप का कर्ज, बेटी की पढ़ाई, कोई ढंग का बहाना तो ढूंढ लिया होता। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे नौकरी से मत निकालो दीदी। चिंता मत कर, ऐसे भी नहीं निकालूंगी। सिर्फ इस 2 दिन की रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि तूने 1000 रुपए अपनी जेब में डाले। 5 सालों में पता नहीं कितना घोटाला किया होगा। जब तक उन पैसों की भरपाई नहीं हो जाती ना, तू बिना तनख्वाह के यहाँ काम करेगा? बिना तनख्वाह में कैसे काम करूंगा? मैं अपने घर क्या भेजूंगा? आप ऐसा करो, मुझे निकाल दो, मैं कहीं और कुछ देख लूंगा दीदी। मैंने निकाल दिया ना तो गारंटी देती हूँ पूरे धानापुर में कोई तुझे नौकरी नहीं देगा, और अगर पुलिस को फोन कर दिया तो पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। चल जा। मोहनलाल यादव की चोरी 6 महीने पहले पकड़ी गई थी। बहुत ही खुन्नस में था वो। जब मीनाक्षी गुप्ता ने उसको 3 महीने पहले निकाला तो अंतिम परिणाम भी करने नहीं आया था वो। उठाते हैं नकुल पाल और मोहनलाल दोनों को और तोड़ते हैं। लक्ष्मण, एक बार इस पॉलिटिशियन दिनकर पटेल से भी बात करना बनता है, हो सकता है वहां से कोई और एंगल निकले। चोरा था या चौपर या फिर कुछ और? इन तीनों में से कुछ भी नहीं। मतलब तूने मीनाक्षी के गले में जबरदस्ती शराब उड़ेली, उस बॉटल को तोड़ा और फिर उसी बॉटल के कांच से उसका गला काट दिया, यही था तेरा करारा जवाब मीनाक्षी को? मेरा करारा जवाब ज्यादा ज्यादा होता कि उन्होंने जो शौचालय बनाया उसमें कालिक पोत देता या उनके घर की खिड़की तोड़ देता। ये रेप मर्डर वगैरह मेरी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। रेप और मर्डर के अगले दिन तेरे हाथ पर टाके लगे ना कुल, तेरे मुंह पर नहीं। अब अगर तूने मुंह नहीं खोला ना तो तेरे पूरे शरीर पर सर से लेकर पैर तक सिर्फ और सिर्फ टाके ही टाके होंगे। एक तो 26 तारीख से लेकर आज तक मैं धानापुर से बाहर नहीं निकला, तो मैं जबलपुर में कैसे हो सकता हूँ? और सर, वो औरत मीनाक्षी जी मुझसे नफरत करती थी, वो मेरे साथ यहां से लेके वहां तक क्यों जाएंगी? ये बात तुझे किसने बताई कि मीनाक्षी किसी के साथ धानापुर के बाहर गई है? वो अपना कमल चौरसे है ना, किराने वाला, वो सबसे पूछताछ कर रहा है कि 26 तारीख की शाम को उसके दुकान से मीनाक्षी जी को फोन किसने किया। अब जिसने भी फोन किया होगा हो ही गया होगा। वो तू था ना कुल? उस औरत ने मेरे बाइक के टायर की सिर्फ हवा निकाली थी, मेरी जान नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। तेरे हाथ के टांके अब इनकी क्या कहानी बना कर लाया? मीनाक्षी जी ने हाथ उठाया था ना तेरे ऊपर, जलील भी किया था, और पैसों का नुकसान वो अलग। मालिक, पैसों का नुकसान तो मीनाक्षी दीदी का हुआ था, गबन मैंने किया था साहब, मुझे माफ कर दो। और दुश्मनी भी तूने ही पाली थी, बदले की आग जल रही थी तेरे पेट में। बलात्कार में कितने लोग शामिल थे और ये गला किसने काटा था? तूने? नहीं मालिक, मालिक शेरनी थी वो, मुझे कच्चा चबा जाती थी, उसके सामने नजर नहीं उठती, मैं हाथ क्या उठा था सर। सर, शालिनी, सुनीता और प्रियंका तीनों बहनों के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम सात्विक मेनू कार्ड्स की तरह, उनके हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड्स भी एकदम क्लीन है। 26 अक्टूबर की रात को तीनों जोड़ों के लास्ट लोकेशन कंफर्म की? जी सर, कपिल और प्रियंका दमोह में थे, विकास और शालिनी बेड़ाघाट में, और सुनीता और उसका पति राजीव थानापुर में ही थे मीनाक्षी के घर। फोन लोकेशन रिपोर्ट भी यही कहती है। सुनीता, मीनाक्षी 3 रातों से नहीं लौटी, पर ये बात तुम लोगों ने किसी को बताई क्यों नहीं? मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तब लगा था कि कुछ बोलूंगी तो चुगली जैसे लगेगा। फिर भी तुम्हें और राजीव को कुछ शक नहीं हुआ, जरा सा भी? नहीं हुआ। इसलिए आपको हम दोनों पर शक हो रहा है ना दीदी, जो आप पुलिस वालों के सवाल दोहरा रही है? ड्रामा बंद कर सुनीता, मैं बस पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम और राजीव यहाँ पर थे, सिर्फ हम दोनों ही थे दीदी। आप और प्रियंका तो चल दी अपने अपने घर दिवाली मनाकर, मैं ही थी दीदी जिसे फिक्र थी मीनाक्षी दीदी की। आपको पता है बेचारी कितनी अकेली रहती थी वो, तो मैं रुक गई उसके पास, उल्टा हम ही पर इल्जाम लगाया जा रहा। आओ प्रियंका, अब तुम्हें भी मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं? मैं कब से सोच रही हूँ कि मीनाक्षी दीदी अपने साथ कुछ कपड़े नहीं लेके गई, कुछ बोल के भी नहीं गई, और 3 दिन से उनका फोन भी नहीं लग रहा था, तो आपको कुछ सूझा कैसे? नहीं, कैसे सूझता, क्यों कुछ बोलती? मैं मैंने मरवाया है ना मीनाक्षी दीदी को? दीदी को पर क्यों मरवाया?
वो भी ऐसे रेप करवा कर। वो मुझे नहीं पता। एक काम करो, आप दोनों बहने यहां बैठो, जवाब ढूंढो, लगाओ दिमाग अपना और पुलिस को फोन करके बोल दो कि सुनीता को फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है ना? ठीक है ना? कुछ कहना विकास भाई साहब? नहीं तो कपिल, कुछ पूछना आप दोनों को, लेकिन मुझे बताना है। देखिए, मीनाक्षी 3 दिन तक घर नहीं लौटी, ये बात है अजीब, लेकिन हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ गलत, कुछ इतना भयंकर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, जैसे मुझे कुछ पता हो, जैसे मैंने ही कुछ किया हो। आपको इस गांव में जाना नहीं, वहां का पता क्यों जान रहे हैं? सर मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बिना कुछ किए ही टांके लग गए हाथ में? इन टांकों का इस कांड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किस कांड से ताल्लुक है, पता ना? माना कि नकुल अकड़ के बात करता है, गुस्से वाला मिजाज है उसका, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत वो नहीं कर सकता साहब। और उस रात तो हम यहाँ पर थे ही नहीं साहब। तीनों दानापुर के बाहर थे, नकुल और आप दोनों? जी नहीं, मैं और नकुल की मां बाहर गए थे, नकुल घर पर था। तो फिर 26 की रात को ऐसा क्या हुआ घर पर जिसके लिए नकुल को 27 को सिविल हॉस्पिटल जाकर अपने हाथ पर टांके लगवाने पड़े? वो हमें तो कुछ नहीं बता रहा, आपको कुछ बताया क्या उसने? अरे सुनो, दीक्षित साहब को बुला लो, मैं बताने को तैयार हूं। बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है मीनाक्षी जी की हत्या, और हत्या से पहले जो उनके साथ हुआ, लेकिन इस हत्या का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है इंस्पेक्टर। आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, ये सच है ना कि मीनाक्षी जी आपकी पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी? पूरे जोश से हिस्सा लेती थी, मेरे चुनाव में भी काफी मेहनत किया था उन्होंने। मीनाक्षी जी एक आदर्श कार्यकर्ता थी पार्टी के लिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि उनके कत्ल का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना? पॉलिटिकल कार्यकर्ता और पॉलिटिशियन में फर्क होता है। पॉलिटिकल कार्यकर्ता सिर्फ कार्य करता है, राजनेता राजनीति करते हैं। कल को कोई मुझे ठोक दे, आप जरूर अपोजिशन पे शक कर सकते हैं, लेकिन मीनाक्षी जी तो सोशल वर्कर थी, सबका भला करती थी। अगर राजनीतिक दुश्मनी नहीं तो फिर क्या दुश्मनी रही होगी उनकी किसी से? उनकी 3 बहनें हैं, आपने उनसे बात की? जी की, लेकिन तीनों अनजान है कि आखिरकार वो कौन था जिसने धनापुर के PCO से मीनाक्षी को कॉल किया, और किसके साथ वो जबलपुर गई या किससे मिलने गई, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आप लोग ना निजी जिंदगियों को टटोलिए, मुझे तो ये मामला बेहद करीबी और निजी मामला लगता है। जैसे कि मैंने गुस्से में बियर की बोतल तोड़ दी। मीनाक्षी को जबरदस्ती पिलाने के बाद? नहीं, मीनाक्षी जी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, ना ही मुझसे और ना ही उस बोतल से। दरअसल मैं उस रात को अकेला नहीं था। तो फिर कितने आदमी थे? एक औरत थी, मतलब एक लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड। मम्मी पापा घर पे थे नहीं तो। नकुल, इस तरह चोरों की तरह छुप छुप कर मिलने से अच्छा है ना मिले, ब्रेकअप कर ले। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो रिया? तुम्हारे नहीं बोलने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? सच्चाई? सच्चाई कौन सी? यही कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम अपने घर वालों को ये नहीं बोल सकते कि तुम एक दूसरी कास्ट की लड़की से प्यार करते हो, और ना मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बोल सकती हूँ। हम लोग बस छुप के मिलते हैं। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? चीप लगता है, भद्दा लगता है, जैसे कि मैं कोई। क्यों किया नकुल? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या क्यों तुमने? कुछ मत बोलो रिया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही भद्दा बिहेव करता हूँ। अरे शादी मैं भी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, पर पता नहीं क्यों एक कास्ट की दीवार बार बार बीच में आती है। उसके घर वालों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, अगर उन्हें पता चल जाता ना सर तो वो लोग गोलियां चला लेते, पहले उसको मारते और फिर मुझे। बस इन सब के बारे में सोचकर मेरा दिमाग गर्म हो गया और मैंने बोतल तोड़ दी, जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया और अगले दिन सुबह जाके मैंने टाके लगवा लिए। रिया का पूरा नाम? रिया मिश्रा। नंबर बोल। सर ऐसा मत करो प्लीज, सर आपको मुझे और कूटना है ना, आप मुझे कूट लो सर, पर सर रिया को इस केस में इन्वॉल्व मत करो। सर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि उस रात को रिया घर पे आई थी,
और ना ही रिया के घर वालों को पता है। सर आपके इस कांड के तहकीकात में ना एक और कांड हो जाएगा सर। नकुल नंबर दे। मुझे तो अचरज हो रहा है, तीनों में से किसी बहन ने ना ही उनके पतियों ने किसी ने इस बात का जिक्र कैसे नहीं किया अभी तक। मीनाक्षी गुप्ता के चाचा अरविंद गुप्ता? हाँ वो जबलपुर में ही रहते हैं, मीनाक्षी जी गई होंगी उनसे मिलने शायद। लेकिन फिर वो धनापुर के पीसीओ से कॉल क्यों करेंगे? शायद किसी को पिकअप करने के लिए भेजा हो। मीनाक्षी जी के अंतिम संस्कार में हमने अपने कुछ लोग लगाए थे ये देखने के लिए कि अंतिम संस्कार में कौन शामिल हुआ है और कौन नहीं। उनमें से अरविंद गुप्ता का नाम तो नहीं सुना? नहीं सर। शायद वो नहीं आया? ना ही अरविंद गुप्ता का बेटा राहुल आया, मैं था ना वहां, मैंने भी इस बात को नोटिस किया था। भगवान मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, चाचा जी ने करवाया? अरविंद चाचा जी ने? देखिए हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने करवाया, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें इस चाचा जी के बारे में क्यों नहीं बताया। क्योंकि हमारे जहन में ये बात कभी आई नहीं, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि अरविंद चाचा ऐसा कुछ करवा सकते हैं। हाँ सर, मीनाक्षी दीदी और चाचा जी के बीच में बड़ा तगड़ा बैर था, पर चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। शालिनी दी, कहीं ये उस थप्पड़ का जवाब तो नहीं था? हे राम, इतनी गंदे तरीके से दुश्मनी निकाली चाचा जी ने। हमें इस दुश्मनी की कहानी चाहिए, पूरी कहानी। कहानी यही है सर कि मीनाक्षी दीदी ने प्रियंका और मेरी शादी कराने के बाद अपनी पूरी ताकत इस घर को बनाने में लगा दी। चाचा जी तो बहुत पहले से ही दावा कर रहे थे कि इस घर में उनका भी हिस्सा है, लेकिन तभी कोठी बहुत छोटी थी सर। मीनाक्षी ने अपनी कमाई से नए कमरे बनवाए, बगल वाली जमीन खरीदी, फिर चाचा जी इन सब का भी हिस्सा मांगने लगे। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। ये कोठी हमारे दादू ने यानी आपके पापा ने हमारे पापा को बतौर तोहफा दी थी, जो हम चारों बहनों की है, जिसमें मीनाक्षी रहती है, इसका हक सबसे ज्यादा है इस पर। मेरा 40% का हिस्सा है, वसीयत में लिखा है। बीए पास किया ना आपने, पढ़िए इसे, सिंपल इंग्लिश है, पढ़िए इसे। 12वीं फेल हो ना, शायद इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया। इसी वसीयत के चौथे पेज पर ये लिखा हुआ सिंपल इंग्लिश में ही कि इसका 40% तुम्हारे पापा यानी चाचा जी को तब मिलेगा जब कोठी बेची जाएगी। इसका वक्त काफी पहले आ चुका है। देखिए मीनाक्षी दीदी, शादी तो नहीं हुई है आपकी, वो आपका पर्सनल मसला है, लेकिन हम तो इसका जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकते ना। प्रॉपर्टी के रेट ऑलरेडी गिरने शुरू हो चुके हैं। एक मिनट राहुल, प्रॉपर्टी के रेट गिरे या उठे इससे तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तब मिलेगा जब हम ये कोठी बेचेंगे, और इस कोठी को बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और हाँ, अगर ये बेचेंगे भी तो तुम्हें पुश्तैनी कोठी का वही 40% मिलेगा जो वसीयत में है, ना कि जो मीनाक्षी ने बनवाया है। बगल वाली जो जमीन है ना, वो भी पुश्तैनी कोठी का हिस्सा है, उसके 40% पर भी हमारा ही हक है। एक इंच भी नहीं चाचा जी, एक इंच भी नहीं, इसलिए मजाक मत करिए। उस जमीन का एक एक स्क्वायर फीट अपना खून पसीना जलाकर खरीदा है, वो आपकी पुश्तैनी जमीन नहीं है, इसलिए यहाँ बार बार आकर ये हंगामा और तमाशा करना बंद करिए। मेरे जीते जी ये कोठी नहीं बिकेगी। और राहुल, तुम अगली बार तुमने अगर ये कोठी देखने के लिए किसी क्लाइंट को भेजा ना, तो सीधे पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर दूंगी। आप अकेले रहते हो, अकेले इंसान को कितनी जगह चाहिए रहने के लिए। राहुल, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते, और ना ही ऐसी बदतमीजी से सवाल पूछ सकते हो तुम। लिमिट में रहो। वही जमाई राजा, तू अपनी लिमिट में रह, मत बोलो ना बीच में। फैमिली वाले लोग हैं हम अपनी बात खुद कर लेंगे, बीच में अपनी नाक मत डालो। ना चाचा जी, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मीनाक्षी अकेली है, हम सब हैं उसके साथ। राहुल से तुम कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते ना चाचा जी, क्योंकि आपने इतने साल खुद हमारे साथ कीड़ों मकोड़ों जैसा व्यवहार किया। एक थप्पड़ से अगर होश ठिकाने नहीं आए ना, तो बता देना, पुलिस स्टेशन में ले जाके चार जूते मरवाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाओ। जो बंद कमरे में तमाचा मारा ना तुमने को मीनाक्षी, सूद समेत लौटाऊंगा इसे, भरे बाजार में लौटाऊंगा। पापा चलो यहां से, देखती रहना। हाँ, राहुल ने धमकी तो दी थी, पर कोई ऐसी धमकी पर अमल भी करता है भला? अगर राहुल ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया है उसने, बहुत गलत। Thank you.
ये चाचा अरविंद गुप्ता और उसके बेटे राहुल गुप्ता वाली बात इन लोगों ने हमसे छुपाई क्यों? जहन में नहीं आया ऐसे बोले। गड़बड़ा है, कोई अहम बात है जो छुपाई जा रही है। वैसे सर ये राहुल की धमकी नकुल पाल की उस करारे जवाब वाली धमकी से कुछ खास अलग नहीं है। सर नकुल की गर्लफ्रेंड रिया से बात हुई? हाँ माधुरी, रिया ने कबूल किया। उसने बताया कि उस रात नकुल के साथ वो उसके घर पर ही थी। नकुल ने बॉर्डर तोड़ी जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया। ये ढाबे का मैनेजर मोहनलाल, पड़ोसी नकुल और जबलपुर वाले चाचा अरविंद और उनका बेटा राहुल, रंजिश के सभी एंगल्स हमें ना तो इन तीन बहनों से और ना ही उनके पतियों से मिले। सब के सब एंगल्स हमें बाहर वालों से मिले। क्यों? संजना तुम्हारा डब्बा रेडी है, चलो। थैंक यू मम्मा, बाय। क्या कर रही है मालती, फ्री हो गई क्या? बस अभी अभी किचन समेटा है। तू बता क्या कर रही है, खाना खाया? मन नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आ जाएगी? तुझसे बात करने का मन कर रहा है। एक 15 मिनट दे दे, कल की रसोई की कुछ तैयारियां करनी है। ठीक है, पर जल्दी आ जाना प्लीज। अगर अकेलापन इतना ही खाए जा रहा है तो शादी क्यों नहीं कर डालती? अब किसका इंतजार है बताऊं? क्या रे, मुझसे क्या छुपाएगी तू? ये छुपी हुई बात तो है ही नहीं। हमारे मीनाक्षी के बीच कोई प्यार व्यार नहीं था, फिर झूठ मूठ का शोक क्यों व्यक्त करे? सर वैसे भी हम किसी के अंतिम संस्कार में जाए ना जाए, ये हमारा पर्सनल मामला है ना। भरे बाजार में मीनाक्षी को सूद समेत थप्पड़ तुम ही लौटाने वाले थे ना? सर भरे बाजार में किसी को थप्पड़ मारना और मर्डर और गैंगरेप में बहुत फर्क होता है, और वो भी मेरी चचेरी बहन के साथ। दिखता नहीं है क्या आपको? नहीं दिखता, तुम दिखा क्या फर्क है? एक ही परिवार के। हाँ पुश्तनी जायदाद का मसला है, वो चारों बहनें ये समझ रही थी कि पुश्तनी जायदाद उनके पिता की है, कोर्ट में जाने वाले हैं। जो कुछ कहना सुनना था वो हो चुका था हमारे बीच, बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो सर आप बताइए मीनाक्षी को इतनी दूर जबलपुर क्या बात करने के लिए बुलाते? और आप खुद सोचिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके घिनौने इल्जाम बिल्कुल सही हैं। आप सोचें कि मीनाक्षी ऐसी तेज और समझदार औरत हमारे बुलाने पे जबलपुर आती इतनी दूर, और वो भी अकेली, कभी ना आती सर। मानो किसी तरीके से जबरदस्ती करके यहाँ खींच कर लाते तो वो हल्ला नहीं मचाती इंस्पेक्टर। सर संगीन जुर्म हुआ है, सुलझाइए उसे। बेकार में हमारी पारिवारिक रंजिशों को मत जोड़िए जो इस केस से बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे, वक्त बर्बाद होगा आपका। अब बात रही अंतिम संस्कार की, तो वहां जाकर हम कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे। और सर ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये भयंकर कांड हमने किया है तो आप साबित कीजिए कि मीनाक्षी हमसे जबलपुर मिलने आई थी। आप साबित कीजिए कि ये पूरा कांड हमने किया है। आप साबित कीजिए। हमारे पास पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट आ गई है। जैसा कि मुझे बताया गया था मीनाक्षी शादीशुदा नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ और डिटेल्ड एनालिसिस की। कोई ऐसी डिटेल जो हमारे काम आ सके? जी है। देखिए इंस्पेक्टर, रेप हुआ है, उसके निशान हैं, खरोचे हैं जो फोर्स सेक्स की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा भी विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव औरत थी एक अरसे से। मतलब किसी के साथ एक अरसे से जिस्मानी ताल्लुकात थे विक्टिम के? 100%। आपने बताया था उस शाम को किसी ने पीसीओ से कॉल किया था विक्टिम को, शायद वही शख्स हो। सर अरविंद गुप्ता और राहुल गुप्ता का मीनाक्षी से कभी कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है। 26 अक्टूबर की रात को दोनों बाप बेटे घर में ही जबलपुर में थे। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात और सामने आई, मीनाक्षी गुप्ता एक अरसे से सेक्सुअल एक्टिव थी। अब हमें उसके प्रेमी को ढूंढना। तो सर ये जो आपसी रंजिशें सामने आई हैं, जो थी जरूर, इस जुर्म से जुड़ी ना हो, शायद कोई और ही एंगल हो, कोई रिश्ता, कोई प्रेमी, और उस प्रेमी और मीनाक्षी के बीच की खटास जो इस जुर्म की जड़ बनी। लेकिन फिर गैंगरेप क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कोई सुपारी किलर था, करने आया था मर्डर लेकिन कर गया रेप एंड मर्डर? लेकिन सर खबरियों के अनुसार सुपारी मार्केट में ऐसी कोई खबर नहीं है। 26 अक्टूबर को जिसने भी मीनाक्षी को धानापुर के पीसीओ से फोन किया था वो हमारे इस केस के ताले की चाबी है। हाँ मैं पहुंच गई हूँ। कोई और बात है जो ये तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका हमसे छुपा रही? राजीव कोई भी काम हो, जरूरत हो,
तो बेझिझक फोन करना। हाँ विकास भाई साहब, हम लोग भी बस दो तीन दिन यहाँ और रुकेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। सुनीता, चाचा जी का फोन होना है तो कोई बात ही मत करना, हम सब मिल बैठ कर सुलझाएंगे ये मामला। जी दीदी। सुनो, शालिनी दीदी और सुनीता दीदी को जो भी सही लगे मान लेना, हमें जो भी मिलेगा वो हमारे लिए सही रहेगा। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही, मीनाक्षी दीदी तीन तीन दिन से गायब थी, उनका फोन पे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और सुनीता दीदी को फर्क ही नहीं पड़ा। देखो प्रियंका, ऐसे वक्त पर अपनों पे शक करना ठीक नहीं है, हम एक परिवार है, ऐसे वक्त पर हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। तीन दिन तक सुनीता का चुप रहना, ये बात खटक तो रही है। जी सर, सुनीता डायरेक्ट शक के घेरे में आ जाती है, लेकिन सर अगर सुनीता किसी साजिश की करता धरता होती तो वो तीन दिन तक चुप बैठने का खतरा क्यों उठाती, बल्कि पहले ही दिन शोर मचाती, हल्ला मचाती, ताकि कोई उस पर शक ना करे। तो फिर कौन है, कौन है साजिश का करता धरता? ऐसा कैसे हो सकता है कि मीनाक्षी की तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका, इनमें से किसी ने भी मीनाक्षी के प्रेमी का जिक्र तक नहीं किया? सर एक ट्विस्ट है, और एक बोलो। पोस्टमार्टम में शराब के लेवल्स काफी हाई थे, हम अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि मीनाक्षी को जबरदस्ती शराब पे ले गई होगी, लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हुआ हो। साहब, ना किसी परिवार वाले से बात सामने आई, ना मोहल्ले वाले से। फिर कौन? ये खबर मैंने कवाड़ के बीच से खोद के निकाली है साहब, धनापुर के बिरजू कवाड़ी वाले ने बताया। शायद पीती थी मीनाक्षी जी। क्या? महीने के 6 से 7 विलायती खंडे कहीं नहीं गए, कभी कबार तो 8-10-12 तक भी हो जाते थे। घर से बोतल मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि वो खुद दारू पीती होगी। तो फिर पीता कौन था? है? सोचने वाली बात है, घर में अकेली रहती थी वो, इतने सालों में मैंने तो कभी किसी और को मारे थे देखा नहीं। मैंने 2 दिन धनापुर और उसके आसपास विलायती शराब की जितनी भी दुकान थी सबसे पूछताछ की, किसी ने भी नहीं कहा कि मीनाक्षी उनसे शराब लेती थी। चंदू, तो फिर शराब की बोतलें आती कहाँ से थी? यही तो अंदर की बात है साहब, हर महीने का कोटा कोई चुपके से लाके देता रहता होगा जान पहचान वाला। ये जान पहचान वाला जाने वाला भी हो सकता है। महीने की 8 बोतलें, मतलब हफ्ते की 2 बोतलें और रोज के 3-4 पैग। आदत और लत के बीच की कंडीशन है, पर फिर भी तीनों बहनें चुप हैं और उनके पति भी चुप हैं। सर मीनाक्षी अकेले रहती थी, हो सकता है ये सब बातें छुपा गई होगी, लेकिन सर एक बात है जो खटक रही है। क्या? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि शराब के लेवल्स हाई थे और गैंगरेप हुआ, पर सीमन के ट्रेसेस नहीं मिले, कॉन्डम्स यूज हुए रेप में। हाँ तो सर, जैसे जबरदस्ती शराब की थ्योरी अब हमें सही नहीं लग रही, हो सकता है ये गैंगरेप की थ्योरी भी सही ना हो। सीमन ट्रेसेस नहीं मिले, पर खरोंचे और निशान तो है माधुरी। सर कंसेंजुअल सेक्स, मर्जी से सेक्स के दौरान आई खरोंचे और निशान हो सकते हैं, जिसे गलती से गैंगरेप समझा जा रहा है। विलायती शराब सस्ती नहीं होती, महीने की 8 बोतल्स। सर मीनाक्षी की खुद की आमदनी बुरी नहीं थी, और प्रेमी की आमदनी भी अच्छी खासी हो सकती है, और पॉलिटिक्स में आमदनी अच्छी होती है। दिनकर पटेल, वो मीनाक्षी का प्रेमी हो सकता है। कोने भी हो सकता है, तभी उसने हमें मीनाक्षी का चाचा और उसकी प्रॉपर्टी के एंगल में गुमराह किया। पॉलिटिशियन है, खेलना, गुमराह करना, घुमाना रोज का काम है। तो कहीं तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं राजपूत साहब, आप बड़े आदमी हैं, कहां मैं ऐसी गुस्ताखी करूंगा। तो तुम किस तरफ इशारा कर रहे थे? बस इतना ही कह रहा था कि 26 अक्टूबर की रात आपके घर पे 2 मेहमान आए थे, और उसी रात मीनाक्षी गुप्ता का कत्ल हुआ सामूहिक बलात्कार के बाद। देखो मेरा इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं, ठीक है? और मुझे फोन मत करना, और ब्लैकमेल करने की तो कभी सोचना भी मत। अभी इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, दूर रहो मुझसे, समझे? जी मैं मालती रघुवंशी बोल रही हूँ, धानापुर से। जी मालती जी बोलिए। वो मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात बतानी है। मीनाक्षी मेरी बहुत करीबी सहेली थी, बचपन की सहेली। आप मीनाक्षी गुप्ता के मर्डर के बारे में कुछ जानती हैं? जी ये बात उसके मर्डर से जुड़ी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात है जो शायद कोई नहीं जानता मेरे अलावा, जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए। सुनीता,
मालती को लगता है कि मीनाक्षी के कत्ल के पीछे सुनीता हो सकती है। सर एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा मालती ने, पर मालती को लगता है शायद सुनीता इसके पीछे है। प्रॉपर्टी के लिए? तब तो हो सकता है सर सुनीता ने अगवाई की हो, बाकी दोनों बहनें और उनके पति भी शामिल। बात कुछ क्लियर नहीं है सर, मालती ने कहा वो खुद आकर बताएगी, पहुंच रही है थोड़ी देर में, पर वो कह रही थी कि मीनाक्षी ने उसे कुछ ऐसा बताया था जो कोई और नहीं जानता। अगर अकेलापन इतना ही खाए जा रहा है तो शादी क्यों नहीं कर डालती? अब किसका इंतजार है बताऊं? क्या रे, मुझसे क्या छुपाएगी तू? देख तू ना मुझे गलत मत समझना, फालतू की बातें मत कर, बोल ना। मैं ना कुछ कर रही हूं मालती, कुछ करती आ रही, कोई भी सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा। ये तेरी ड्रिंक की आदत? तो फिर मेरी जिंदगी का एक ऐसा पैर जिसे कोई नहीं जानता, नहीं मेरे जीते जी कोई जान पाएगा, और मेरी मौत के बाद भी गुप्त रहेगा। कितना सस्पेंस बना रही है बता ना। सुनीता, मुझे लगता है हमें भी कल तक यहां से निकल जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजीव, चाचा जी कहीं घर पर कब्जा ना कर ले। अरे हलवा पूरी है क्या जो कब्जा कर लेंगे? मैं विकास और कपिल से बात करता हूँ, अब इस मामले का हल साथ में बैठकर ही निकालना होगा। सुनीता, बहुत कुछ हो चुका है, अब इसके आगे किसी को भी किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हो सके उतना जल्दी बात कर लो राजीव से, सेटल कर लो मामला। मीनाक्षी गुप्ता के बारे में हमने जो भी जाना वो दूसरों की राय थी, और मालती मीनाक्षी की सहेली को राय नहीं बल्कि एक छुपी हुई हकीकत बयान करने हमारे पास खुद चलकर आई। मुझे सिर्फ शक है, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। क्या शक है? कि मीनाक्षी की तीनों बहनों ने अपने पतियों के साथ और चाचा अरविंद के साथ मिलकर अपने और उनके बीच के कोठी की दीवार गिरा दी, मीनाक्षी को मार दिया। सर, मीनाक्षी की जिंदगी का एक पहलू था जो कोई नहीं जानता, वो लोगों के भलाई के कामों में लगी रहती थी लेकिन अंदर से बहुत अकेला महसूस करती थी सर, इसीलिए वो ड्रिंक लेती थी। ये बात हमको मालूम है, यही बात बतानी थी तुम्हें? कुछ और भी है सर, मीनाक्षी का अफेयर चल रहा था। किसके साथ? उस रात कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था मीनाक्षी ने और उसके मुंह से गलती से निकल गया और मेरे होश उड़ गए। जब इतना बताया है तो आगे भी बताना, कौन है, करता क्या है, हम बात करते हैं उसके साथ। अभी तो तू सिर्फ 35 की है, शादी तो कर ही सकती है ना उसके साथ? नहीं नहीं, क्योंकि पहले से शादीशुदा। ओ, शादीशुदा है? और उससे भी कहीं ज्यादा। मतलब? मेरी बहन का पति। कौन है वो? राजीव। राजीव? सुनीता का पति? मीनाक्षी का अपनी छोटी बहन सुनीता के पति राजीव के साथ अफेयर चल रहा था? मैं तो सुनकर ही हिल गई थी। तू होश में बिल्कुल नहीं है ना मीनाक्षी? अगर होश में होती ना मालती तो ये बात मेरी जबान पे कभी नहीं आती। सुनीता जानती है? पागल है तो, उसे पता चलेगा तो मार नहीं डालेगी मुझे? अपनी ही बहन के पति के साथ क्यों मीनाक्षी? देख, मैंने पहले ही कहा था मालती, मुझे गलत मत समझना, मैं कोई भी सफाई नहीं देना चाहती, बस एक रिक्वेस्ट है, तो
ये बात किसी को मत बोल। तू उसकी चिंता मत कर, मैं ये समझूंगी कि तूने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। सर इस बात को 6 महीने हो गए। मीनाक्षी और उसकी छोटी बहन सुनीता के पति राजीव के बीच में अफेयर कब से चल रहा था? वो तो मुझे नहीं पता। मैंने और मीनाक्षी ने इस बारे में फिर कभी बात नहीं की। तो मीनाक्षी के कत्ल के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि सुनीता को इस बात का पता चल गया हो? सर मुझे हमेशा से ताज्जुब हुआ करता था कि सुनीता कैसे नहीं जानती इस बारे में। पूरे घर में, पूरे परिवार में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। सर मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती थी और बताना चाहती भी नहीं थी, लेकिन फिर सुनने में आया कि सुनीता ने या तीनों बहनों में से किसी ने भी मीनाक्षी की एक मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई पुलिस में। फिर मेरा शक बढ़ता गया, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए सब। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। सुनीता जी भी घर पर ही होंगे? जी हाँ हैं। आपको कुछ पता चला? आप और सुनीता जी हमारे साथ थाने चलिए। ठीक है, मैं कपिल और विकास को भी फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं, फिलहाल हमें आप दोनों से ही बात करनी है। आप लोग हमसे कुछ पूछने वाले हैं या हमें कुछ बताने वाले हैं? चुप क्यों हैं आप लोग? थाने पहुंचने तक नहीं रुक सकते? ऐसा भी क्या है, कुछ बोलिए तो। दो सवाल है। पहला, तुमने सुपारी किसको दी थी सुनीता? क्या? दूसरा सवाल, बलात्कार हत्यारों ने बिना बोले किया था जब सुपारी का हिस्सा था? ये सरासर गलत इल्जाम है। सुनीता अपनी बहन को नहीं मरवा सकती, कभी नहीं। राजीव महाजन, मैं सीधा सवाल करता हूं, तुम्हारे और मीनाक्षी गुप्ता के बीच अफेयर कब से चल रहा था? क्या पागल हो गया? मीनाक्षी बहन थी मेरी, मेरी मां समान बड़ी बहन। उसके कातिलों को पकड़ने की ताकत नहीं है आप में तो बता दीजिए ना। झूठा इल्जाम लगाना ही है तो मुझ पर लगाइए, कह दीजिए कि मैंने मारा अपनी बहन को। क्यों आप ऐसे मेरी मरी हुई बहन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो भी मेरे पति के साथ नाम जोड़कर? छी, आप मुझ पे इतना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं? और मीनाक्षी पर, जो बेचारी आज इस दुनिया में नहीं है, कभी वापस नहीं आ सकती, और वो भी बिना किसी सबूत और गवाह के। हमने ये कब कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है या हमारे पास गवाह नहीं है? अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि तुम वाकई में अच्छा नाटक कर लेती हो। ये तुम्हें गलत फहमी है कि तुम एक अच्छी एक्टर हो। सुनीता, हमें कोई कीचड़ उछालने का शौक नहीं है, वो तो अपने आप ही उमड़ आया जो तुमने इतने सालों से दबा कर रखा था। तुमने और राजीव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब बातें इतनी खुलकर सामने आ जाएंगी। और जीते जी मीनाक्षी ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि उसका अफेयर पकड़ा जाएगा। मेरी मीनाक्षी दीदी जैसी भली औरत आपको कहीं मिलेगी नहीं मैडम, बहुत अच्छी थी वो। उन्होंने मेरी शादी कराई थी राजीव से, उन्होंने। समझ भी है आपको कि आप लोग क्या गंध निकाल रहे हो? 26 अक्टूबर को मीनाक्षी घर से कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसे भेजा गया था। उसे भेजा था तुमने और तुम्हारे पति राजीव ने जबलपुर किसी के पास, कभी ना लौटने के लिए। अब आगे की कहानी खुद अपने मुंह से बोलो। कुछ नहीं बोलूंगी मैं, मुझे पता है आप लोगों के इरादे बहुत खतरनाक हैं। आप लोग किसी को बचाने के लिए मुझे और मेरे पति को फंसा रहे हैं। अरे मेरी देवी समान बहन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। नहीं है, हकीकत है। शायद कत्ल के वक्त मीनाक्षी को जबरदस्ती शराब नहीं पिलाई गई थी, मीनाक्षी को शराब की लत थी। सबूत है हमारे पास, हर महीने 8 से 10 बोतल मीनाक्षी रोज पीती थी और अच्छा खासा पीती थी। नामुमकिन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि कत्ल के वक्त मीनाक्षी के खून में अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा थी। अब इतनी ज्यादा शराब या तो वह अपने किसी जान पहचान वाले के साथ पीती या फिर किसी करीबी के साथ, और उसके सबसे करीबी लोगों में से सिर्फ तुम 6 लोग। हमें पूरा यकीन है कि राजीव ने ही उसे जबलपुर बुलाया, खूब पिलाई, गैंगरेप किया और उसके बाद कर दिया। अगर हम चाहें ना तो तुम्हारी हालत में उंगली के साथ साथ पूरा हाथ घुसेड़ कर केवल 15 मिनट में तुम्हारे अंदर से सच उगलवा सकते हैं। मीनाक्षी गुप्ता की सबसे करीबी सहेली मालती रघुवंशी ने खुद हमें तुम्हारे इस अफेयर के बारे में बताया था, और खुद मीनाक्षी गुप्ता ने मालती को इस अफेयर के बारे में बताया था 6 महीने पहले। बुलाओ मालती को यहाँ, वैसे हमारे पास और भी सबूत है, पेश करो। हमने सिर्फ मालती के कहने पर तुम पर हाथ नहीं डाला है, तुम्हारे और मीनाक्षी गुप्ता के चैट रिकॉर्ड्स निकलवाए हमने। पढ़ो इसे, तुम्हारी प्रेम कहानी है, पढ़ो।
कितने पैसे मिले हैं तुम्हें और किसने दिए हैं? मीनाक्षी रही नहीं इसलिए कुछ भी बोलोगी तुम। और चुन चुन कर किसका नाम लिया तुमने? राजीव, सुनीता का पति। इसलिए क्योंकि क्योंकि सुनीता ने 3 दिन तक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की, इसलिए तुमने क्या दिया? सुनीता कातिल है। मैंने नहीं कहा सुनीता कातिल है, मैंने सिर्फ वो बात बताई जो मीनाक्षी ने मुझे बताई थी। मैं उसे अपने अंदर रख नहीं पाई, हालांकि मुझे मीनाक्षी ने कहा था कि अपना मुंह मत खोलना, लेकिन उसका मर्डर हुआ है और रेप भी, मुझसे रहा नहीं गया। ये कहो ना कि तुमसे झूठ बोलना रहा नहीं गया। ये झूठ नहीं है। मतलब तुम वाकई में कहना चाहती हो कि मीनाक्षी शराबी थी और उसका अफेयर था राजीव के साथ? हाँ, भुगतोगी एक दिन, पूरी तरह से भुगतोगी। कब से राजीव, तुम दोनों के बीच अफेयर कब से चल रहा था? 3 साल से सर। क्या क्या बोलो? 3 साल। ये वाला देख ले इसका। चाय पी लो पहले। मैं जानता हूं तुम हाथ नहीं हटाओ, नजर नहीं हटती तुम्हारी मुझ पर, ठीक है? अगर हाथ छुड़ाना चाहती हो तो कह दो, मैं छोड़ दूंगा। तो मैं समझूं कि तुम भी पीछे नहीं हटना चाहती, मेरी तरह आगे बढ़ना चाहती हो। हम दोनों की तरफ से आग बराबर लगी थी सर। 3 साल से अफेयर चल रहा था और सुनीता के साथ तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 साल हुए, मतलब तुम्हारी शादी के 1 साल के बाद ही तुमने अफेयर शुरू कर दिया। कुछ चीजें हम लोग शुरू नहीं करते सर, वो शुरू हो जाती हैं। सच तो ये है कि मैं और मीनाक्षी अपने आप को रोक नहीं पाए। उसके बाद मैं और मेरी बीवी सुनीता अक्सर थानापुर में रहने के लिए आने लगे, कभी मेरे सुझाव पर तो कभी मीनाक्षी के कहने पर। सुनीता, दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे सर, किसी रिश्ते को तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी पत्नी और मीनाक्षी की बहन सुनीता, जिसे तुम दोनों धोखा दे रहे थे, उसे पता चल गया था ना तुम दोनों के बारे में? मुझे कभी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी पत्नी सुनीता को इस बारे में कभी कुछ पता चला है। हर साल की तरह इस साल भी हम दिवाली मनाने के लिए यहाँ आए, सब कुछ ठीक चल रहा था सर, परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मालती रघुवंशी को तो पता था 6 महीने पहले से। सर मैं खुद हैरान हूं, यकीन नहीं हो रहा कि मीनाक्षी खुद इस बारे में किसी को कुछ बता सकते थे। जरूर नशे की हालत में उसके मुंह से निकल गया होगा सर। मीनाक्षी को पीने की आदत थी ये बात तुम्हें पता थी, पर तुमने हमें नहीं बताई। अगर मैं ये बात आपको बताता तो घर वाले कहते कि मुझे कैसे पता है और मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया, ऐसी हालत में क्या जवाब देता मैं सर? और वैसे भी सर मीनाक्षी ने कभी मेरे सामने शराब नहीं पी, वो अचानक एक दिन मुझे पता चल गया था। ये तुम्हारी? कल रात गलती से बाहर रह गई, अच्छा हुआ केवल तुमने देखा, सुनीता ने नहीं। वैसे मीनाक्षी तुम्हारा ये रंग दुनिया से छुपा हुआ है। तुम भी तो मेरी जिंदगी के एक रंग हो, दुनिया से छुपे हो। और ये जरूरी भी तो नहीं ना कि सब कुछ सबको पता। वैसे इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हें पूरी तरह से जानता है? मैं खुद भी खुद को अच्छी तरह से नहीं जानती, खासकर उन मौकों पर जब मैं सही और गलत के बीच की लकीर को पोंछ देती। मैं अक्सर उस मीनाक्षी को नहीं पहचानती। तुम हमारी बात कर रही हो? नहीं, अपनी, सिर्फ अपनी। बता ही दो आज शादी क्यों नहीं की? आज तक क्या किया क्या नहीं किया, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मेरी जिंदगी में कई ऐसे सवाल है राजू जिसका जवाब मुझे तक नहीं पता। मैंने मीनाक्षी को नहीं मारा है सर, और ना ही कभी उसे मारना चाहता था। आपको सच बताऊं तो मैं प्यार करता था मीनाक्षी से।
हमारे इस रिश्ते से जो मिल रहा था उससे ज्यादा पाने की उम्मीद नहीं थी हमें, ना ही किसी तरह की कोई कड़वाहट थी सर, सब अच्छा चल रहा था। मैं उसे क्यों मारता सर? 3 साल से, 3 साल। बस करो सुनीता, अब नाटक का पर्दा गिर चुका है, उतार दो ये मखौटा। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ज्यादा दर्द राजीव की दगाबाजी से हो रहा है या मीनाक्षी दीदी की बेशर्मी से? काश वो जिंदा होती, काश मैं उनसे पूछ पाती कि दीदी ऐसा क्यों किया आप सर। अब मैं कह सकती हूं, अगर मुझे पता होता ना तो शायद मैंने मीनाक्षी दीदी का कत्ल कर दिया होता। पीसीओ से कॉल किसने किया था सुनीता? मीनाक्षी को जबलपुर बुलाकर पिलाकर बलात्कार करके मर्डर किसने किया? मैंने किया। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेली थी, मैंने दीदी को बोला दीदी मैं आपको पीसीओ से कॉल करती हूँ ताकि मेरा फोन रिकॉर्ड में दिख जाए। फिर मैं उन्हें जबलपुर ले गई, शराब पिलाई और उनका कत्ल कर दिया। सुनीता, सर आप मुझे वो जगह दिखाइए जबलपुर में जहाँ पे मीनाक्षी दीदी की लाश मिली थी, मैं कह दूंगी कि मैंने उनकी लाश फेंक दी। और सुनिए, मैंने जानबूझकर पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि दीदी तो मर ही चुकी है। कैसे पता था? क्योंकि मैंने उनको मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि मुझे पता था कि 3 साल से दीदी का राजीव के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दोनों से कोई सवाल नहीं किया। मार डाला मैंने मीनाक्षी दीदी को। एक साल के बाद मैं राजीव को भी मार डालती, ठीक है ना सर? सर अब और सवाल जवाब मत करो मुझसे। सर आप मुझे यहाँ से सीधे जेल, जेल से अदालत और अदालत से सीधे फांसी के तख्ते ले जाओ, लटका दो मुझे, मार डालो मुझे। मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ सर, मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं बचा है सर, मेरी जिंदगी में कुछ और बचा नहीं। मालती के बयान ने एक पिटारा खोला तो है, पर क्या उसके बयान का मीनाक्षी के कत्ल से वाकई को ताल्लुक है? सर सुनीता को देखकर लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है, बहकी बहकी बातें कर रही है, बुरी तरह हिल गई है, शायद वो इतना बड़ा सदमा हैंडल नहीं कर पाई। सर इस राजीव ने अफेयर की बात कबूल तो कर ली है, पर ऐसा लगता नहीं है कि मीनाक्षी के मर्डर में उसका कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि सर उसके पास कोई वजह नजर नहीं आ रही है मीनाक्षी को मारने की। मीनाक्षी के अपने पड़ोसी नकुल के साथ बाइक को लेकर अनबन, ढाबे के एक्स मैनेजर मोहनलाल का गुस्सा, मीनाक्षी के चाचा अरविंद और उनके बेटे राहुल के साथ पुश्तैनी कोठी को लेकर रंजिश, ये सब मीनाक्षी की जिंदगी की हकीकतें। इन सब के पास मीनाक्षी के कत्ल की वजह हो सकती है, पर हमारे पास इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। मीनाक्षी और राजीव का अफेयर भी मीनाक्षी की जिंदगी की एक हकीकत है, पर हो सकता है इस हकीकत का भी मीनाक्षी के कत्ल और गैंग रेप से कोई ताल्लुक ना हो। सर राजीव और मीनाक्षी के इस अफेयर से सुनीता तो बेखबर थी, पर हो सकता है मालती के अलावा कोई और हो जिसको इस अफेयर की खबर हो। सर ये मर्डर या तो प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है या राजीव और मीनाक्षी के अफेयर को लेकर, पर दोनों ही केसेस में हो सकता है मीनाक्षी के दोनों बहनें और उनके पति भी शामिल हो। सुनीता को अंधेरे में रखकर मीनाक्षी की दोनों बहनें और उनके पतियों से फिर से बात करते और इस दिनकर पटेल से भी फिर से बात करते, ये मीनाक्षी का करीबी था, इसी ने हमें मीनाक्षी के चाचा अरविंद गुप्ता वाला एंगल दिया था।
मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैंने मीनाक्षी को नहीं मारा है। मुझे तो लगता है मीनाक्षी दीदी ने राजीव को मेरे लिए नहीं अपने लिए चुना था। मैं तो बस एक उसे टंगने वाली एक खूंटी थी। शालिनी दीदी, मीनाक्षी दीदी ने शादी क्यों नहीं की थी? प्रियंका, तुझे मालूम है आप दोनों को हमारे गुजरे हुए माँ बाप की कसम है, आप लोग को इसके बारे में पता था ना सब? हाँ, जानते हुए भी चुप रहे ना, ताकि मीनाक्षी दीदी राजीव को इस्तेमाल कर सके। मीनाक्षी अकेली थी, उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। क्या आप दोनों इसके बारे में पहले से जानते थे? कैसे पता होता राजीव? कौन बताता? मीनाक्षी दीदी बताती या वो मालती बताती? जो हुआ सो हुआ, मीनाक्षी अब रही नहीं। पता नहीं इस मालती का क्या मकसद है चुगली करने के पीछे। वही मैं सोच रहा हूँ कि मालती को क्या मिला ये बात बताकर। और उसे सब के बारे में पिछले 6 महीने से मालूम था। अगर बताना ही था तो तब बताती जब मीनाक्षी जिंदा थी। मीनाक्षी को जवाब देना पड़ता, माफी मांगनी पड़ती, कोई ना कोई हल निकलता। और सबसे बड़ी बात, घर का मामला घर के अंदर ही रहता। अब बता कर क्या मिला? घर का माहौल तो बिगड़ा ही, ऊपर से पूरे थानापुर में थू-थू हो रही है हमारी। इंसान जब अच्छा काम करता है तो उसे अपना नाम लिखना पड़ता है, चीख कर कहना पड़ता है, और फख्र के साथ भी कह सकते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया। लेकिन कोई शर्मनाक काम गलती से भी हो जाए तो लाख छुपाओ दबाओ बात को, फैलती तो आग की तरह ही है। अब देखिए ना, इस वक्त थानापुर के लोगों के लिए मीनाक्षी जी से बुरी औरत आज तक पैदा हुई ही नहीं। देखिए, हम किसी की नैतिकता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक रेप हुआ है, एक मर्डर हुआ है, हमने शर्मनाक काम, अच्छे काम सब खोद निकाले, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस मकसद सामने नहीं आ रहा। क्योंकि मकसद जो कुछ भी है उसे बड़ी बखूबी से छुपाया गया है। पिछले 5 सालों से मीनाक्षी जी हमारी पार्टी के लिए काम कर रही थी। इन 5 सालों में मुझे एक बार भी शराब की बू तक नहीं आई। अफेयर की कैसे आ? नहीं, हमें पता नहीं था कि राजीव और मीनाक्षी के बीच। सर, अगर पता भी होता तो आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब ने मिलकर उसे मार डाला, ये बेहुदा और वाहियात इल्जाम है। सुनीता दीदी टूट गई हैं, और प्रियंका और शालिनी दीदी भी कुछ कम नहीं टूटी, और राजीव का तो आप पूछे ही मत। देखिए मैडम, ये हमारे परिवार पर संकट का समय, और आप ऐसे संकट के समय में हमारे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप ज़रा गौर से देखिए, आपको हम किसी भी एंगल से सुपारी उपारी देने वाले लगते हैं क्या? अगर मीनाक्षी अपने चाचा अरविंद गुप्ता से मिलने नहीं गई तो जबलपुर में किससे मिलने गई? वो भी अपनी मर्जी से। देखिए मैडम, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं पहले दिन ही आपको सब कुछ बता देता। मुझे नहीं मालूम वो वहाँ क्यों गई थी और उन्हें क्यों मारा गया। थानापुर और आसपास के गांव के लोगों के साथ मीनाक्षी अक्सर मिलती थी, और दिनकर जी के साथ भी अक्सर जाया करती थी। सर, उस दिन वो किसके साथ गई ये सवाल हमें भी परेशान कर रहा है। दिनकर पटेल के साथ पीती भी थी? इसके बारे में पता नहीं सर, हमें खुद मालूम नहीं था ड्रिंक्स के बारे में। मेरे रोज के 2 पैग होते हैं स्कॉच। तो क्या कभी मीनाक्षी के साथ भी? कभी नहीं। जबलपुर में मीनाक्षी का आपकी पार्टी के काम से जाना होता था? कई बार, सिर्फ जबलपुर नहीं, भोपाल, इंदौर, दिल्ली भी भेजा था महिला अधिवेशन के लिए। आपका मुद्दा क्या है इंस्पेक्टर? मुद्दा है रेप और मर्डर। एक अविवाहित महिला अकेली रहती थी, जवान थी, खूबसूरत थी, और अपनी मर्जी की मालकिन भी। हो सकता है उसके जीजा राजीव के साथ अफेयर को लेकर कोई और बंदा जलन खा गया। मतलब कोई और अफेयर? क्यों नहीं, शादी का फंदा मीनाक्षी जी के गले में थोड़ी ना था, पर उस छुपे हुए प्रेमी का तो हो सकता है। मीनाक्षी जी सेटल होना चाहती होंगी, बच्चा पैदा करना चाहती होंगी, उस पर दबाव बना रही होंगी। होता है ना, कितने केसेस हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, जहां शादी के दबाव में बंदा हताश हो जाता है और हताशा में सामने वाले का खून कर देता है। हो सकता है वो बंदा तगड़ी पार्टी हो, अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता हो, और मीनाक्षी जी ब्लैकमेल कर रही होंगी, तो उसने मीनाक्षी जी को ही ब्लैकआउट कर दिया। तो दिनकर जी कोई ऐसा शादीशुदा बाहुबली ताकतवर ब्लैकआउट करने वाला आपकी नज़र में कोई हो जिस पर हम नज़र रख सकें? अब अगर मुझे इतना पता होता तो इतना टाइम वेट करता आपको बताने के लिए? कुछ तो जानते हैं। देखिए सर, मैं इंसान को समझता हूँ,
किसी को देवी या डायन के रूप में नहीं देखता। आपने खुद पता किया है कि मीनाक्षी जी का उसके जीजा राजीव के साथ चक्कर था, तो मैंने तो बस आपको एक नया एंगल दिखा दिया है। हो सकता है जबलपुर में ही कोई पुराना आशिक हो या फिर कोई बहुत नया। इस दिनकर पटेल के पीछे बंदे लगाओ, इसके कार्यकर्ताओं का मुंह खुलवाओ। अगर राजीव नहीं तो फिर मीनाक्षी के साथ शराब पीने वाला, उसे शराब सप्लाई करने वाला, उसके साथ घूमने वाला, उसके राज छुपाने वाला सिर्फ यही एक बंदा है, ये पॉलिटिशियन दिनकर पटेल। सर जबलपुर में भी खबरें एक्टिवेट करते हैं, हो सकता है वहाँ से कोई हिंट मिले कि मीनाक्षी गुप्ता 26 अक्टूबर की शाम को जबलपुर में कहाँ आई थी। तुरंत बंदे लगा दो। सर जबलपुर वाले चाचा अरविंद गुप्ता और उनके बेटे राहुल को शायद हमने जल्दी हरी झंडी दिखा दी, मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे मीनाक्षी की बचपन की सहेली मालती से फिर से बात करनी, ऐसा लगता है कि कुछ और था जो हिचकिचाहट में वो बता नहीं पाई। उसने राजीव के बारे में हमें जो बताया, हो सकता है वो मीनाक्षी की दोहरी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा। जबलपुर उतना बड़ा नहीं है तो इतना छोटा भी नहीं है, और अभी हम जिस खबर को ढूंढने की फिराक में हैं वो घास के बोरे में सुई ढूंढने के बराबर है। मीनाक्षी गुप्ता जबलपुर में किससे मिलने आई थी ये पता करना है, और तुझे देने के लिए मेरे पास एक भी दाना नहीं है, सिर्फ एक डेट है 26 अक्टूबर की शाम। काम पर लगा दूंगा अपने बंदों को, हो सकता है इस घास के बोरे में कोई और सुई मिल जाए जो इस सुई का पता बता दे। वैसे हमारी शक की सुई थानापुर के राजनेता दिनकर पटेल को पटकी हुई है, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। साहब दिनकर जी तो बिल्कुल सेटल आदमी है, घर गृहस्थी में भी और पॉलिटिक्स में भी, पर हर कोई कहता है कि मीनाक्षी जी दिनकर पटेल के काफ़ी करीब थी, वो उनके लिए जीत जान लड़ा के काम करती थी। काम के सिलसिले में वो लोग दिनकर के घर पे मिलते, पार्टी दफ्तर में मिलते, और कभी कभार साथ में थानापुर के बाहर भी आना जाना होता दोनों का। और दिनकर अपनी तरफ से मीनाक्षी के समाज सेवा काम में पूरा सपोर्ट करता था, कई लोगों के काम वाम करवा देता। अफेयर था क्या मुद्दा वो है चल, इस दिनकर पटेल ने बड़ी चालाकी से हमें लीड दी कि कोई तगड़ी पार्टी हो सकती है जो अपना घर नहीं तोड़ना चाहता था, और इसीलिए मीनाक्षी को मार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं ये दिनकर पटेल खुद अपनी राम कहानी सुना रहा था? लेकिन किसी ने भी अफेयर की तरफ इशारा तक नहीं किया साहब। वाइन शॉप से कोई खबर आई? नहीं साहब, मीनाक्षी गुप्ता बंद मुठियां लेके गई है अपने साथ। अगर मालती आकर मुंह नहीं खोलती ना तो ये केस कैसे खुलता, सोचने वाली बात है साहब। सर मुझे मीनाक्षी ने जो बताया वो मैंने आपको बताया, अब जो मुझे मालूम ही नहीं वो मैं आपको कैसे बताऊं सर? पर हमें सुनीता और राजीव के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, हमें शक है इस दिनकर पटेल पर, हमें लगता है कि आपने सब कुछ नहीं बताया। कुछ छुपा कर मुझे क्या मिलता, मीनाक्षी बस मेरी बचपन की सहेली थी, लेकिन जब से उसने मुझे राजीव के बारे में बताया तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मीनाक्षी को जैसे जानती ही नहीं थी सर, मानो मैं किसी और से बात कर रही थी। मुझे मीनाक्षी के लिए बहुत बुरा लगता है सर कि उसके साथ ऐसा हुआ, पर क्यों हुआ किसने किया मैं सच में कुछ नहीं जानती। सच कहूं तो ये घिनौनी सच्चाई जानने के बाद मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि मीनाक्षी मेरी भतीजी थी। आपकी जरूरत तो देखो, आप हमसे ही पूछने आई हो कि मीनाक्षी जबलपुर में किससे मिलने आई थी। पहले आप हम लोगों पे शक कर रहे थे, अब आप लोग हमसे ही उम्मीद लगाकर आए हैं कि हम लोग को सुराग दे देंगे आपको मर्डर सॉल्व करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी हम पर शक कर रही हो और घुमा फिरा कर हमसे ही हमारे खिलाफ जानकारी लेने आई हो? क्यों हमको ऐसा कुछ करना चाहिए क्या? आप लोगों पे दोबारा शक करने जैसा कुछ है? मैडम आप हमारा नाम अपनी लिस्ट से निकाल ही दीजिए। कोठी को लेकर अनबन थी हम लोगों के बीच में, लेकिन उससे बड़ा पिटारा तो उनके घर में खुल गया है, रिश्तों के अंदर मची गंध का। मीनाक्षी एक बहन के पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, तो क्या गारंटी कि बाकी बहनों के पतियों के साथ भी कोई चक्कर नहीं था? कुछ सुना आप लोगों ने? नहीं, लेकिन इंसानी फितरत का दस्तूर है, शेरनी जब बेवफाई का खून चख लेती है उसे आदत सी हो जाती है। ऐसे ही उठ के चली जा वापस राजीव के पास, सब कुछ बुला दो। मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ सुनीता, पर जो कुछ हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। मीनाक्षी तो अब रही नहीं और राजीव भी दिल से शर्मिंदा है, तू अपने ही हाथों अपना घर क्यों तोड़ रही है? कैसे जोड़ू जो टूट चुका है दीदी, कैसे जोड़ू? अगर विकास जीजाजी ने ऐसा किया होता तो आप माफ करती उन्हें? मेरे दो सबसे चहीते लोगों ने मुझे धोखा दिया।
बोल प्रियंका। यहाँ हमारे मोहल्ले में बहुत कुसर पुसर हो रही है मीनाक्षी दीदी को लेके। तू उन सब बातों पर ध्यान ना दे। इतना ही नहीं दीदी, पुलिस के खबरी हमारे पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं कि। पुलिस के खबरी क्या पता कर रहे हैं? यही कि कहीं कपिल का भी मीनाक्षी दीदी के साथ राजीव जीजू की तरह, आप समझ रही है ना? मुझे तो लग रहा है कि पुलिस वाले वहाँ किशनगढ़ भी पहुँच गए होंगे विकास जीजू के बारे में पता करने के लिए। विकास के बारे में क्या पता करना है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप क्या करती दीदी अगर विकास जीजाजी भी आपके साथ वही करते जो राजीव ने मेरे साथ किया? सिर्फ शक के बिना पर पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं आपके और प्रियंका के यहाँ, तो आपकी इतनी हालत खराब है? मेरी सोची दीदी, कैसे सब कुछ भुलाकर माफ करके घर संभालो? हमारी जिंदगी में जो तबाही मची है वो काफी नहीं है आपके लिए? जो आप लोग और तबाही मचाना चाहते हैं? हम लोग टूट गए हैं, बिखर गए हैं, फिर भी जी नहीं भरा आपका, जो और ठेस पहुंचा रहे हैं हमें। शालिनी जी, हमारा इरादा आपको या आपके परिवार को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपकी बहन मीनाक्षी के कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। मत कीजिए तहकीकात सर, नहीं जानना हमें कि मीनाक्षी को किसने मारा और क्यों मारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मालती को मीनाक्षी की मौत के बाद ये घिनौना सच बताने की जरूरत ही क्या थी, जो हमारे पूरे परिवार को कभी ना भरने वाला घाव दे गई। और आप लोग उस घाव पे नमक मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं। मेरे और प्रियंका के आस पड़ोस में हमारे पतियों के बारे में अनाप शनाप पूछ रहे हैं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। ये शिकायत की फोन या इंटरनेट पे दिया ऑर्डर नहीं कि जब चाह वापस ले ली। हमारा फर्ज है कातिल को ढूंढना और वो हम ढूंढ कर रहेंगे। और इस वक्त कातिल की तलाश हमें कई दिशाओं में लेकर जा रही है, और उनमें से एक संदेह की दिशा है ये विकास और कपिल। और हमारा यकीन मानिए, उन पर हमारा शक बेवजह या बेबुनियाद नहीं है शालिनी जी। सुनीता टूट गई है, उसका घर टूट रहा है सर, हमें उसे संभाल दे दीजिए। ठीक है शालिनी जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम एहतियात बरतेंगे, हम चुपचाप अपना काम करेंगे। हमारा फर्ज है कातिल को ढूंढना और वो हम ढूंढ के रहेंगे। मीनाक्षी की तीनों बहनों के परिवारों पर हमने निगरानी जारी रखी। हमारा शक था कि घर में पकी साजिश थी, और बड़ी चालाकी से इसकी बदबू को बाहर जाने ही नहीं दिया गया था। राजीव के साथ मीनाक्षी के अफेयर ने किसी और अफेयर के होने की पॉसिबिलिटी पैदा तो की थी, पर उस दिशा में एक भी सुराग ना हमारे हाथ में आ रहा था और ना ही नजर में। दिनकर ने एक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा तो किया था, पर वो भी उसी पॉसिबिलिटी का मुख्य उम्मीदवार था हमारी नजर में, हालांकि उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला था। सर, मैं पीएसआई अजय कुमार बोल रहा हूँ भोपाल क्राइम ब्रांच से। आपके पास किसी मीनाक्षी गुप्ता नाम की किसी लेडी का कोई केस है? हमारे पास मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके केस में आपकी मदद कर सके। हाँ अजय बोलो। 26 अक्टूबर की रात को मीनाक्षी के साथ रेप, शायद गैंग रेप हुआ और उसके बाद कत्ल हुआ। हमारे पास कोई ठोस लीड नहीं, तुम्हारे पास क्या लीड है? सर कोई डायरेक्ट लीड नहीं है, दरअसल हम लोग धीरज मौर्य नाम के एक हथियारों के सप्लायर का फोन टैप कर रहे थे। सुन धीरज, अभी तू सर्विलेंस पे है और मुझे मेरे नाम के बारे में भी सोचना है, इसलिए इन सब में मुझे मत घसीट। वाह साहब, जब जरूरत पड़ती प्रचार हो या किसी का पर्चा खोलना, आप बेझिझक फोन करते थे मुझे। मैंने एक बार भी गलती से भी ना नहीं बोला है। पैसे मिले थे तुझे उसके, और मुझे अब फोन मत करना और ब्लैकमेल करने की तो सोचना भी मत। ब्लैकमेल? और वो भी आपको? ये क्या बहकी बातें कर रहे हो मालिक? मीनाक्षी गुप्ता वाले मामले में मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? मांगना भी मत। धीरज मौर्य के जिस नंबर से बात हो रही थी वो जबलपुर के एक राजनीतिक पक्ष के कार्यकर्ता का नंबर है, एक निम्न स्तर का कार्यकर्ता, राजेश राजपूत नाम है इसका। ये रिकॉर्डिंग कब हुई थी? परसों। और इस धीरज मौर्य की क्या पोजीशन है? सर ये अभी तक हाथ नहीं लगा है, उमरिया से बोल रहा था, फिलहाल इसका मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन मैंने मीनाक्षी गुप्ता का नाम नोट कर लिया था और ये राजेश राजपूत का नंबर जबलपुर में ट्रेस हुआ, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ।
राजेश राजपूत लोकेट हो गया सर, इस वक्त अपने घर पर ही है। और सर जैसा भोपाल क्राइम ब्रांच ने कहा, राजेश राजपूत एक लो लेवल का पॉलिटिकल वर्कर है, मीनाक्षी गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। सर दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, पर इस मीनाक्षी गुप्ता के कई राज हैं, ऐसे पत्ते जो शायद कभी खुलते ही नहीं। ये राजेश राजपूत हमारे लिए हुकुम का इक्का साबित हो सकता है, उठाते हैं इसे। नहीं, मैं किसी मीनाक्षी गुप्ता को नहीं जानता और दानापुर में भी किसी को नहीं जानता। धीरज मौर्य का जानते हो? तुम्हारी और धीरज की फोन पर जो बात हुई वो हमने सुनी है राजेश। और हम चाहे ना तो तुझे हथियारों के सौदागर के साथ कनेक्शन में भी उठा सकते। देखिए देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मीनाक्षी गुप्ता को नहीं जानता। हाँ, उसके एक करीबी आदमी को जानता हूँ। और करीबी आदमी खूनी भी है? मीनाक्षी गुप्ता का खूनी? जी। सुन, पवन कनौजिया तू है? जी साहब। विकास खंडेलवाल कहाँ है, तेरा मालिक? वो तो घर पे मिलेंगे साहब। वैसे वारंट तो तेरे नाम पर भी है, तू भी चल, चल, चल। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ पता चला कातिल का? जी, विकास जी को बुलाइए। जी, मीनाक्षी गुप्ता का कातिल पकड़ा गया है, आपको चलकर उसकी पहचान करनी है। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे? पूछिए इनसे। क्यों विकास जी, इसे पहचान करने के लिए दो लोग और भी हैं, राजेश राजपूत और पवन कनौजिया। सीधी बात कर रहा हूं सर, मेरे इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। उस रात विकास खंडेवाला अपने एक मुलाजिम पवन कनौजिया के साथ मेरे घर आया था। नमस्ते राजेश, हमें आज रात आपके घर रुकना है। राजेश जी, मैंने मीनाक्षी का कत्ल कर दिया। क्या? मैं आज के किशनगढ़ नहीं लौट सकता, पुलिस चेकिंग चल रही होगी तो नजर में आ जाऊंगा। लेकिन विकास, मीनाक्षी तो तुम्हारी साड़ी थी ना, फिर क्यों? उस रात धीरज मौर्या, वो हथियारों का सौदागर, मेरे घर रुका हुआ था। उसने हमारी बातें सुन ली थी, तब से वो मीनाक्षी गुप्ता का जिक्र करता रहा और कोई ना कोई अपना काम निकलवाना चाहता था। कमीना सलाम। वो कमीना है तो तू क्या है राजेश राजपूत? मीनाक्षी के दो दो कातिलों को, हथियारों के एक सौदागर को अपने घर में पना देता है और हम यहाँ इस केस में पागलों की तरह गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। उससे गलती हुई है सर, मैंने तो सिर्फ विकास को पनाह दी थी। अब उसने कत्ल कहां किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। तो विकास के रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो? सर, मीनाक्षी जी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी सर। लेकिन अपने मालिक से तो निजी वफादारी थी ना तेरी, है? और वो भी इतनी वफादारी कि उसके कहने पर रेप और मर्डर में हिस्सा ले लिया तूने। गलती होगी सर, बहुत बड़ी गलती होगी आज। चल पिजट। डीसीओ से मीनाक्षी को कल तूने किया था ना? हाँ सब। मीनाक्षी जी पहुंच गए आप? 10 मिनट से राह देख रही हूँ, कब तक आ रहे हो? बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। विकास साहब और मीनाक्षी जी में पहले से सब कुछ सेट था साहब, मुझे तो बस मीनाक्षी जी को वहाँ विकास साहब तक पहुंचाना था साहब। मीनाक्षी के रगों में हमें भारी मात्रा में शराब मिली। अब तू हमें एक बात बता, ये शराब मीनाक्षी ने खुद पी थी या उसे जबरदस्ती पिलाई गई थी? विकास साहब और मीनाक्षी जी ने दोनों ने गाड़ी में मिलकर पी सा। Thank you.
क्या देख रहा? उधर देख, उधर देख, बोल रही हूँ ना विकास, देखो इस बदतमीज को कैसे घूर रहा है। ए, भाजा, विकास, विकास रुको, विकास, रुको, ऐसे बदला लोगे तुम उससे? ऐसे बदला लोगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं विकास, तुम मुझे जानते। क्या है विकास? विकास साहब ने लाश को झाड़ियों में फेंक दिया, फिर हम लोग राजेश राजपूत के वहां पर रात रुके। मैंने कुछ नहीं किया सब, जो जो मालिक ने बोला बस वही किया मैंने सब। होगड़ में किया, भक्ति से किया, या फिर पैसे लेकर किया तूने? पैसे नहीं मिले सर। ऐसे ही वो मालिक ने क्या बोला? मालिक ने बोला कि मीनाक्षी जी के साथ वो सब कर... मैंने कुछ नहीं कहा, मालिक ने बोला वही क्या मैं। कब से? 10-11 साल हो गए। 10 साल से तेरा और मीनाक्षी का अफेयर चल रहा था? हाँ। 10 साल से तेरे साथ और 3 साल से राजीव के साथ भी? किसी को पता नहीं था मेरे और मीनाक्षी के बारे में। मीनाक्षी को शराब तू सप्लाई करता था? मारा क्यों? प्यार करता था मैं मीनाक्षी से, दिल से, जी जान से प्यार करता था। शालिनी से कई गुना ज्यादा मैं मीनाक्षी से प्यार करता था, सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता था। मैंने उससे कहा भी मैं शालिनी को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूं, शादी कर लेते। जब कोई खिलौना टूटा ही नहीं तो उसे जोड़ने का क्या मतलब विकास? मीनू, ना रिश्ते खिलौने हैं और ना शादी। पर खेल तो सभी खेल रहे हैं ना, तुम अपना, मैं अपना, शालिनी दीदी अपना, इसे ऐसे ही रहने दो। मैं घर नहीं तोड़ना चाहती, वो भी अपनी सगी बहन का। जब मैं शालिनी को देखने आया था तभी मुझे जिद करनी चाहिए थी तुम्हारे लिए। अब तक हम शादीशुदा होते, बच्चे होते हमारे। तुम शायद किसी और के साथ होते और मैं किसी और के साथ। हमारे बीच जो कुछ भी है ना विकास, वो बढ़िया सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई। समझ लो इस बात को। मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था और फिर एक दिन अचानक क्या कर रहे हो? जासूसी करने का इतना ही शौक है तो पुलिस या फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? आगे से मेरा मोबाइल मत छूना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कब से चल रहा है? तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे ताल्लुक नहीं, तुम बाहर हो इस मामले से। हमारी छोटी बहन सुनीता का पति है राजीव, और तुम मेरी बड़ी बहन शालिनी के, भूल रहे हो? मजाक नहीं मीनाक्षी, मजाक नहीं। एक तो तुम मुझे धोखा दे रही हो और ऊपर से चाहती हो कि मैं चुप रहूं। तो तुम शालिनी के साथ क्या कर रहे हो 10 साल से? पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? पति हूं? हाँ मैं पति नहीं हूं तुम्हारा, पर उससे कम भी नहीं हूं। कम और ज्यादा क्या होता है विकास? पति नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। गलत है ये मीनाक्षी, एक सच्चे दोस्त, प्रेमी और पति की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें इतने साल, एक बार कहीं और नहीं देखा, तुम जानती हो। और तुम बेशर्मी की सारी हद पार कर दी तुमने। ये जो तुम्हारी सारी अच्छाई है, ये जो तुम अच्छे काम करती हो लोगों के लिए, ये दरअसल डर के मारे करती हो। दिल में चोर है तुम्हारे, पकड़े जाने का खौफ है, जमाने का। मैं किसी से नहीं डरती विकास, मेरा दिल और मन दोनों साफ है। तो फिर मेरे और राजीव के अलावा किस किसके साथ सोती हो तुम? प्रियंका का पति कपिल, उसके साथ भी चल रही है अय्याशी? अच्छा होगा अगर तुम कल से यहां नहीं आओ तो। 10 साल इस्तेमाल करने के बाद मुझे एक टॉयलेट पेपर के टुकड़े की तरह उसने कुचल कर फेंक दिया। और फिर भी तुम दोनों मिलते रहे? वो तो बस मजबूरन मिलती मुझे, इस डर से कि मैं कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दूं। अब चूंकि वो बीच बीच में तुमसे मिलने आती थी तो तुमने फायदा उठाया और उसके कत्ल की साजिश रची। हाँ। धनापुर से बाहर बुलाया, खूब शराब पिलाई और अपने मुलाजिम पवन से भी बलात्कार करवाया और उसके बाद कत्ल कर दिया। विकास खंडेलवाल, हमने आज तक बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, बहुत सारे,
लेकिन तेरे जैसा कमीना आज तक नहीं देखा जो इतनी विकृत सोच रखता हो। हम अपने अपने पतियों को समझ ही नहीं पाए सुनीता, और इन अक्षी को भी नहीं समझ पाए। दाहिने हाथ को पता नहीं होता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। एक ही जिंदगी के दो अलग अलग पहलू, एक दूसरे से गुप्त। दोहरी जिंदगी में जब एक जिंदगी तकलीफदायक हकीकतों से भर जाती तो यह नामुमकिन है कि उसका प्रभाव दूसरी जिंदगी पर न पड़े। सवाल यह उठता है कि ऐसा रिश्ता जोड़े हैं क्यों, जो घरों को, दिलों को, भरोसों को और जिंदगियों को तोड़े। इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि चाहत का लोह चुंबक किसी भी नाजायज रिश्ते की शुरुआत में इतना ताकतवर होता है कि सारी चेतावनियां नजरअंदाज की जाती। सवाल सिर्फ तब उठते हैं जब वही रिश्ते नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। पर हर बार जब भी कोई संगीन जुर्म होता है, वो बार बार पीड़ितों और मुजरिमों से यही कहता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसे नैतिकता के तराजू में तोलो और ठंडे दिमाग से सोचो क्या यह जरूरी है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।